गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज हिंदी में एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 में पूरा कंप्लीट कर चुके थे हम लोग कल की क्लास में। आप लोगों को क्या करना है, फेयर कॉपी आप लोग को जरूर बना लेना है बच्चों, और सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चों को फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है ताकि आप अब बाकी बच्चों से पीछे ना हो जाएं। इसलिए आप लोग को सही ढंग से साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में फेयर कॉपी क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। आप लोग सबसे पहले बच्चों अपना अपना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। कॉपी पेंसिल निकाल लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 का सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। जैसा कि सभी लेसन में हम लोग शब्दार्थ पहले देखते थे, तो इस लेसन में भी सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इस लेसन को पढ़ाया जाएगा। शब्दार्थ याद करने से आप लोग को यही ये फायदा होगा कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, लेसन जब समझाया जाएगा तो आप लोग को अधिक समझ में आएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, शब्दार्थ को हर हाल में याद कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, शब्दार्थ। शब्दार्थ आप लोग को लिखना है। पहला नंबर में है आप लोग का प्रसिद्ध। ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रसिद्ध मीन्स होता है नामी या होता है लोकप्रिय, नामी या लोकप्रिय। ठीक है, अगला कोई है, अगला में लिखते हैं। दूसरा में होता है पीढ़ी। पीढ़ी मीन्स क्या होता है बच्चों, पीढ़ी मीन्स होता है वंश। क्या होता है, वंश। तीसरा है ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स क्या होता है बच्चों, जिसे बहुत ज्ञान हो। ज्ञानी मीन्स क्या होता है, जिसे बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो। आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मन के वैसे लिख दीजिएगा, बिल्कुल साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में, क्योंकि आप लोग का हैंड राइटिंग बनाना जो बहुत जरूरी है। आप लोग का राइटिंग कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हैंड राइटिंग सही कीजिएगा। मेहरबानी मीन्स क्या होता है बच्चों, मेहरबानी मीन्स होता है कृपा। ठीक है, मेहरबानी मीन्स क्या होता है, कृपा। आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। चलिए, अगला है आप लोग का सुख साधन। सुख और साधन, सुख साधन मीन्स क्या होता है, सुख साधन। सुख साधन में होता है सुख सुविधा देने वाले माध्यम। क्या होता है, सुख, सुख साधन देने वाले माध्यम, माध्यम। चलिए, अगला लिखते हैं हम लोग संत। संत मीन्स क्या होता है बच्चों, संत मीन्स होता है साधु। क्या होता है, साधु। संत मीन्स क्या होता है, साधु। संत मीन्स लिखेंगे साधु। अगला क्वेश्चन है, अगला शब्दार्थ है उपस्थित। उपस्थित, उपस्थित मीन्स क्या होता है बच्चों, उपस्थित मीन्स होता है हाजिर। उपस्थित मीन्स क्या होता है, हाजिर। एट में लिखते हैं मूल्यवान। एट नंबर में है आप लोग का मूल्यवान। याद हल्ला है बच्चों, मूल्यवान। तो मूल्यवान मीन्स क्या होता है, कीमती। मूल्यवान मीन्स क्या होता है, कीमती। ठीक है, मूल्यवान मीन्स क्या होता है, कीमती। चलिए, आप लोग आज इस लेसन का जो भी शब्दार्थ था हम नोट करवा चुके, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रसिद्ध मीन्स होता है क्या, प्रसिद्ध मीन्स होता है नामी या लोकप्रिय। प्रसिद्ध मीन्स क्या होता है, नामी या लोकप्रिय। पीढ़ी मीन्स होता है वंश। ज्ञानी मीन्स होता है जिसे ज्ञान, जिसे बहुत ज्ञान हो। मेहरबानी मीन्स होता है कृपा। सुख साधन मीन्स होता है, सुख साधन मीन्स क्या होता है, सुख साधन देने वाले माध्यम। सुख साधन मीन्स क्या होता है, सुख साधन देने वाले माध्यम। संत मीन्स क्या होता है, साधु। उपस्थित मीन्स क्या होता है, हाजिर। मूल्यवान मीन्स क्या होता है, कीमती। ठीक है, तो बस यही एट आप लोग का शब्दार्थ था इस लेसन में, जिसे आप लोग नोट कर लिए होंगे ढंग से, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कर लीजिए। तो उसके बाद आप लोग को आज का होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों, आज होमवर्क में आप लोग हिंदी में एक्सरसाइज 3 का शब्दार्थ शब्दार्थ मेक और मेमो कीजिएगा। ठीक है,
क्या कीजिएगा, मेक और मेमो कीजिएगा। अब बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बच्चों, बिल्कुल आप लोग को साफ साफ लिखना है। और सभी जो भी बच्चे हैं ग्रुप में, यानी कि क्लास 2 में जो भी बच्चे हैं, वो सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, बनाएंगे इसको। और जो भी आपके अगर फ्रेंड वगैरह जो भी ऐसे फ्रेंड हो जो इस ग्रुप में नहीं है, तो उनको भी अगर संभव हो सके तो उन्हें भी बता दें कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है और पढ़ाई चालू है। और बच्चों आप लोग को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट करते चलिएगा, ताकि आप कुछ बच्चे जो फेयर कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उन बच्चों से कहीं आप पीछे ना हो जाएं। ठीक है, आप लोग को सभी को क्या कर लेना है, फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है और याद कर लेना है, याद भी करते हुए चलना है, ताकि विद्यालय फिर खुले, आप लोग को तो जहाँ तक पढ़ाई हो गया है उससे आगे हम लोग बढ़ें। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा ढंग से, और फिर कॉपी तो वो ढंग से आप लोग को तैयार करना ही है। ओके बच्चों।